अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दिन का आगाज़ हो चुका है और दिन के बज चुके हैं 4। हाँ जी, तो यहाँ पर काबली पुलाव रेडी हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज था ये काबली पुलाव। और ये होममेड है। ज़ायबा का फ़ोटोशूट स्टार्ट हो चुका है क्योंकि ईद के फर्स्ट डे ज़ायबा इज़ नॉट वेल, तो हम सेकंड डे उसका शूट कर रहे हैं। और बस ज़ायबा हैप्पी नहीं है अपने फ़ोटोशूट से, बस इधर उधर भाग रही है। आई थिंक सो कि सबके बच्चे ही ऐसे करते हैं, फ़ोटोज़ नहीं लेते। तो बस ये फाइनली एक फ़ोटो अच्छी आ गई माशाल्लाह से। तो बस फिर बाकी फिर से वही हरकतें स्टार्ट हो गई हैं, फिर से वही सब कुछ। और ज़ायबा ने कहा जी मैं आज कोई फ़ोटोशूट नहीं कराऊँगी। बस फिर हम वेट करते रहे कि अभी कोई एक फ़ोटो आ जाए तो हम अपने YouTube फैमिली को दिखा सकें। लेकिन बस ज़ायबा का मूड यहाँ पर फिर से हैप्पी। और बस हम अब जा रहे हैं, कुछ गेस्ट आ गए थे उनको ड्रॉप करने के लिए। और बस ज़ायबा को भी मैंने साथ में ले लिया क्योंकि घर पे हम बोर हो रहे थे, खाना वगैरह भी खा लिया था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम बाहर चलें, गेस्ट को ड्रॉप करेंगे। और ज़ायबा बहुत ही इंजॉय कर रही थी, उसको बहुत पसंद है बाहर आना। ऑलमोस्ट सब बच्चों को घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, तो बस वो इंजॉय करी। अब हम घर वापस आ गए उनको ड्रॉप करके, और बस हम अब घर जाएंगे। और मेरी इस टाइम पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरा आई थिंक सो कि बस फ्लू हो रहा है मुझे, मेरी सही से आवाज़ भी नहीं निकल रही। अच्छा जी, बारबेक्यू प्लान हो रहा है आज। और बारबेक्यू में हम चिकन एंड मटन बारबेक्यू बना रहे हैं। और यहाँ पर मैरिनेशन स्टार्ट हो चुकी है और बस क्विक हम रेडी कर रहे हैं। यहाँ पर मसाला लग रहा है, सब कुछ हो रहा है और प्रिपरेशन अच्छे से हो रही है। और बस आज हमें लग रहा था कि ईद है और हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। बारबेक्यू के बगैर तो मुझे लगता है कि ईद ईद ही नहीं लगती। तो बस फिर प्लान हो गया। यहाँ पर जो मटन है वो मैरिनेट हो चुका है और यहाँ पर एक और मटन का देश का रेडी हुआ था, ये सुबह में रेडी हुआ था, काबली पुलाव का साथ में देश का है। तो बस अब बारबेक्यू का वेट है, सबको बहुत वेट था, बहुत खुश थे सारे कि बारबेक्यू हो रहा है। और कुछ बारबेक्यू का इन्वायरमेंट ही ऐसा होता है कि आप बहुत ही मूड ही अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे बस फिर सोचा कि आज क्यों ना हम टेरेस पे बारबेक्यू करें। हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम कर रहे थे, बहुत गंदा और बस ये सारा मैस आपको नज़र आ रहा है। तो बस सोचा कि क्यों ना मैं ये मैस साफ़ करूँ। तो मेरे साथ मेरे हेल्पर थे और मैं थी और हम साफ़ कर रहे थे पूरा टेरेस। और ये देखें कितना हसीन हमारा टेरेस हो चुका है। और यहाँ पे अब हम अरेंज करेंगे चेयर्स, टेबल और सब कुछ। और फाइनली ये लुक देखें, सारा कुछ हो गया साफ। और बस ये बारबेक्यू के लिए रेडी हो रहा है। ये भी मैं ही सारा कुछ रेडी कर रही थी और साथ में मेरे फैमिली मेंबर्स भी थे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट जो है वो टिक्का लगा दिया है, चिकन मटन मिक्स में लगाया था। तो बस हमने इंजॉय करना शुरू कर दिया है। और बस बारबेक्यू का बहुत ही मज़ा आया। आप लोग भी सब बताएं, जिन जिन ने बारबेक्यू किया है और जिन जिन को बहुत मज़ा आया है वो सब मुझे ज़रूर बताएं। और बस ये देखें फाइनल लुक बारबेक्यू की, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बना था। जिस जिसको रेसिपी चाहिए वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दे, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में रेसिपी बता दूँगी इंशाल्लाह। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।